आज का टॉपिक हमारा अब भारतीय मरुस्थल। अब आप नोट भी करते जाना, भारतीय मरुस्थल। भारतीय मरुस्थल हमारा कहाँ पर है? राजस्थान, जो एरिया हमारे भारत का जो एरिया है राजस्थान का, उसे हम भारतीय मरुस्थल भी कहते हैं। अरावली पहाड़ी के पश्चिमी किनारे पर ये स्थित है और ये शुष्क, यहाँ की जलवायु कैसी होती है बच्चों? शुष्क जलवायु, ड्राई जलवायु होती है, पानी की कमी होती है या बारिश बहुत कम होती है। इस वजह से यहाँ की जो वनस्पति है कांटेदार उसमें रूपांतरित हो जाती है। यहाँ की वनस्पति कटीली होती है। कटीले वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं? मरुस्थल एरिया में पाए जाते हैं। चारों तरफ क्या है? रेत ही रेत है। रेत के टीले पाए जाते हैं और उन्हें हम बरकान कहते हैं। ये क्वेश्चन बहुत आता है कि अर्धचंद्राकार टीले, ये अर्धचंद्राकार होते हैं, अर्धचंद्राकार ऐसे तरंगित ऐसे फैले रहते हैं, अर्धचंद्राकार टीले होते हैं जिन्हें बरकान के नाम से जाना जाता है। इसके नाम से बरकान के। और ये क्वेश्चन 100% आता है हर साल, हाफेली में चाहे एनुअल में आता है कि बरकान किस क्षेत्रों में पाए जाते हैं। यदि ऑप्शन दिया है भारतीय मरुस्थल, आप वहां टिक करेंगे। और कभी कभी ऑप्शन भारतीय मरुस्थल नहीं दिया होता है, उसमें दिया होता है जैसलमेर जोधपुर, तो जैसलमेर और जोधपुर भी वही के राजस्थान के एरिया, तो आपको वहां टिक करना पड़ेगा। तो बरकान कहाँ पाए जाते हैं? भारतीय मरुस्थल में पाए जाते हैं और मुख्य रूप से जैसलमेर और जोधपुर में ये पाए जाते हैं। तो ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आता 100% आता है, लिख के रख लो, मैं अभी आपको लिखा भी दूंगी। एकमात्र नदी लूनी है, या कौन सी नदी है? एकमात्र नदी है या नदियां नहीं है? जब बारिश होती है उस वक्त कुछ सरिताएं बन जाती है, सरिताएं मतलब छोटी छोटी नदियां, लेकिन जब बारिश खत्म हो जाती है तो ये सरिताएं पुनः क्या रेत में समा जाती है। मात्र एक नदी है लूनी, ये क्वेश्चन भी बहुत आता है। राजस्थान में पाई जाने वाली एकमात्र नदी कौन सी है? भारतीय मरुस्थल में पाई जाने वाली एकमात्र नदी लूनी, ये क्वेश्चन भी हर साल आता है। ध्यान, क्योंकि इसमें और ज्यादा क्वेश्चन बनते नहीं है। कई बार आपका आता है कि भारतीय मरुस्थल की तीन विशेषताएं लिखिए, भारतीय मरुस्थल की तीन विशेषताएं लिखिए, तो आप कौन कौन सी विशेषताएं लिखोगे? पहली विशेषता आप लिखोगे भारतीय मरुस्थल अरावली पहाड़ी के पश्चिमी किनारे पर स्थित है। क्या लिखोगे? भारतीय मरुस्थल अरावली पहाड़ियों के पश्चिमी किनारे पर स्थित है। पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट, यहाँ की जलवायु शुष्क है। भारतीय मरुस्थल की जलवायु कैसी है? शुष्क है। यहाँ की जलवायु शुष्क है। शुष्क माने ड्राई, क्योंकि बारिश बहुत कम होती है, इसलिए जलवायु कैसी होगी? शुष्क होगी। थर्ड है, यहाँ पे वनस्पति कांटों में रूपांतरित हो जाती है। यहाँ की वनस्पति या यहाँ पर कैसे लिखो, यहाँ पर कटीले वृक्ष पाए जाते हैं। कभी कभी तीन नंबर में आता है क्वेश्चन, तो ये नहीं कि तीन नंबर में तो तीन ही पॉइंट लिखो। यहाँ पर कटीले वृक्ष पाए जाते हैं। फोर्थ आप लिखोगे, यहाँ पर रेत के टीले, कभी कभी शॉर्ट टिप्पणी आ जाती है भारतीय मरुस्थल पे, तब भी यही पॉइंट लिखने आपको। रेत के टीले पाए जाते हैं जिन्हें बरकान कहते हैं, पाए जाते हैं। तो याद रखना, बरकान को आप हाईलाइट कर देना, जिन्हें, क्योंकि बच्चे समझ ही नहीं पाते बरकान क्या है, जिन्हें या किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं बरकान। ये क्वेश्चन आता जरूर है कि बरकान किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जिन्हें बरकान, इसे हाईलाइट करना, बिल्कुल बरकान कहते हैं। अर्धचंद्राकार होते हैं,
पॉइंट यहाँ पर एकमात्र नदी लूनी है, यहाँ की ये भी 100% क्वेश्चन आता है, ये वाला और ये वाला, पिछले 10 साल के पेपर उठा लो, ये क्वेश्चन जरूर आया है। यहाँ पर एकमात्र नदी है, नदी एकमात्र नदी लूनी बहती है। 5 पॉइंट मैंने दिखा दिए, बहुत होंगे आपको, है ना। 3 नंबर में आता है क्वेश्चन, 3 में 5 लिखोगे तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। तो फिर से सुन लो, मैं फिर से आपको ऐसा करा, आप क्लास में याद कर सकते हो। पहला पॉइंट भारतीय मरुस्थल का, ये अरावली पहाड़ी के पश्चिमी किनारों पर पाए जाते हैं। सेकंड, यहाँ की जलवायु शुष्क है। थर्ड, यहाँ पर रेत के टीले चारों तरफ पाए जाते हैं जिन्हें बरकान कहते हैं। यहाँ की वनस्पति कटीली होती है और यहाँ पे एकमात्र नदी लूनी बहती है। याद हो गया सबको, है ना। तो इसे जल्दी से आप अपनी कॉपी पर उतार लीजिए और फिर मैं आपको दूसरा पॉइंट जो हम कर रहे थे तटीय मैदान उसे कराती हूँ। जल्दी से इसे करिए, फिर मैं तटीय मैदान के बारे में आपको बताऊंगी। एक बार बता चुके, पुनः बताऊंगी। अब हमारा टॉपिक चलेगा तटीय मैदान, जो मैंने अभी बताया आपको। तटीय मैदान, तटीय मैदान का मतलब कोस्टल रीजन। कोस्टल माने जो समुद्र से लगे, समुद्र के तट से लगे हुए होते हैं। कोस्ट क्या होता है, तट को कहते हैं, जो समुद्र का किनारा होता है उसे कहते हैं तटीय मैदान। यहाँ किस तरह क्या क्या चीजें हैं, देखिए मैं ये देखिए, इधर का हिस्सा हमारा, आप मैप में देखिए 10 पेज पर, इधर का हिस्सा हमारा पश्चिमी तट या पश्चिमी घाट ये कहलाता है। पश्चिमी घाट पर ही पश्चिमी तट है और पूरा बे ऑफ बंगाल का हिस्सा हमारा क्या कहलाता है, पूर्वी तट। पश्चिमी तट हमारा अरब सागर से शुरू होता है और कहाँ तक, ये अरब सागर से पूर्वी तट तक, बे ऑफ बंगाल तक फैला हुआ है। मतलब पश्चिमी तट शुरू अरब सागर में और पूर्वी तट हमारा बे ऑफ बंगाल में। तो यहाँ से जा रहा है महाराष्ट्र गोवा से लेके कर्नाटक केरल तमिलनाडु हमारा आंध्र प्रदेश फिर हमारा उड़ीसा, उड़ीसा तक हमारे ये तट फैले हुए। वेस्टर्न साइड का हमारा वेस्टर्न कोस्ट होगा और हमारा ईस्टर्न साइड का हम ईस्टर्न कोस्ट कहलाता है। तो ये ध्यान रखना, कई बार आपको मैप में भी भरने को आता है कि ईस्टर्न कोस्ट को फिल करिए। ईस्टर्न कोस्ट में पूर्वी तट, वेस्टर्न तट भरने को आता है तो आपको अरब सागर में भरना होगा, वो किनारे पे ऐसे एरो करके, है ना। और बच्चों आपको यदि आ गया मालाबार तट को फिल कीजिए। मैंने आपको बताया मालाबार तट केरल, केरल है, केरल हमारा सबसे नीचे आता है बच्चों, सबसे नीचे हमारा स्टेट है केरल। तो मालाबार तट का जो हिस्सा है वो, केरल का जो हिस्सा है वो मालाबार तट कहलाता है। आपको आ गया कोरोमंडल, कोरोमंडल तट भरिए तो आप कहाँ भरेंगे, तमिलनाडु की तरफ। तो मैं शुरू से बताती हूँ कि पश्चिमी तट से पूर्वी तट तक ये कितने भागों में बटा हुआ है। सबसे पहले जब हम ऊपर चलते हैं, यहाँ महाराष्ट्र और गोवा, ये गोवा छोटा सा है, छोटा सा है, ये महाराष्ट्र और गोवा का हिस्सा हमारा क्या कहलाता है, कोंकण तट। क्या कहलाता है, कोंकण तट। याद रखो, पूछ लेते हैं कोंकण तट कहाँ पर स्थित है, फिल करिए। तो आपको पता होना चाहिए, मैप 10 पेज निकाल के बैठो आप अपनी अपनी बुक का और उसमें देखिए कोंकण तट, मुंबई और गोवा का जो हिस्सा होता है वो हमारा कोंकण तट कहलाता है। जब हम नीचे की ओर आते हैं, मध्य में आते हैं, कर्नाटक से केरल की तरफ जब हम आते हैं तो ये मालाबार तट कहलाता है। इसे कन्नड़ या मालाबार तट भी कहा जाता है, मध्य का हिस्सा कन्नड़ और बीच फिर ये जो साइड से वो मालाबार तट। सब लोग बुक में देखिए अपनी अपनी 10 पेज पर। फिर तीसरा हिस्सा जब हम इधर तमिलनाडु की तरफ जाते हैं तो ये हिस्सा हमारा कोरोमंडल तट कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों, कोरोमंडल तट, ये है कोरोमंडल तट हमारा ये कहलाता है। और आपने देखा हमारा जो पश्चिमी तट है वो थोड़ा संकीर्ण है, नैरो है,
जो हमारा पश्चिमी तट है बच्चों वो कैसा है, थोड़ा सा नैरो है, संकीर्ण है, और जब हम पूर्वी तट की तरफ चलते हैं तो वो थोड़ा चौड़ा है, चौड़ा मैदान है, और वहां पर एक तो कोरामंडल तट है, और ऊपर की हो जाता है उत्तरी सरकार, जो हमारा उड़ीसा का हिस्सा है, चौड़ा मैदान है, वो उत्तरी सरकार के नाम से जाना जाता है, नॉर्दर्न सरकार के नाम से। ध्यान रखना, जो पूर्वी तट का चौड़ा मैदान है उसे हम उत्तरी सरकार के नाम से, भरने को आता है उत्तरी सरकार के नाम से जानते हैं। आपको फिर आपको मैप में फिल करने को आ गया कि आप उत्तरी सरकार भरिए, तो कहाँ भरेंगे आप, पूर्वी तट पर उड़ीसा के पास, मैप में देखिए आप लोग। तो ये अब आपको समझ में आया पश्चिमी तट और पूर्वी तट कितने उसमें बटे हुए हैं, कोंकण तट, मालाबार तट, कोरमंडल तट और उत्तरी सरकार, ये चार उसमें बटे हुए हैं। ध्यान रखना, कोई सा भी फिल करने को आ जाता है कभी भी। फिर हमारा इस तट में, अब इसमें क्या है, एक और है चीज इसमें कि जब उड़ीसा की तरफ एक और चिल्का झील पाई जाती है, कौन सी झील पाई जाती है, चिल्का, चिल्का लेक पाई जाती है, जो कि साल्टी है, खारे पानी की है, कैसी खारे पानी की झील है, कैसी झील है बच्चों, वो खारे पानी की, तो हमारा उड़ीसा की तरफ कौन सी झील पाई जाती है, चिल्का लेक है, जो कि साल्टी है, लवणी है, और पानी कैसा इसका खारा है। मैप में भरने को आती है चिल्का झील भरिए, और 100% आती है, IMP लगा लो, हर साल आती है भरने को चिल्का झील, हर बार मैप में भरने को आती है, एक नंबर में चिल्का झील भरिए, या साल्टी लेक कौन सी है उसे बताइए, उस या चिल्का झील कैसी है, फ्रेश वाटर की है या साल्टी है, तो मीठे पानी की तो है नहीं है, कैसी है ये, लवणीय है या खारा पानी है। और आपको एक बहुत पते की बात बताती हूँ, जितनी भी यहाँ झीलें हैं आपको कभी रटना नहीं पड़ेगा, जितनी भी समुद्र तट के आसपास झीलें, बहुत सारी झीलें हैं, मैं आपके थर्ड चैप्टर में बताऊंगी, सारी लवणीय है, जो भी समुद्र से निकल रही है, समुद्र के आसपास है, वो कभी मीठे पानी की झील हो ही नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती बच्चों, क्योंकि समुद्र का पानी कैसा होता है, खारा, तो झील कैसे मीठे पानी की हो सकती है। तो कोई भी झील यहाँ से लेके यहाँ तक की पूछे, बहुत सारी झीलें हैं, नेक्स्ट चैप्टर में बताऊंगी, अभी आप थोड़ा सा वो हो जाओगे, यहाँ से जो भी यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक जो भी झील आती है, साल्टी झील है, लवणीय है, खारे पानी की झील है, तो कभी कंफ्यूज मत होना, मीठे पानी की झील हमेशा हिमालय से आती है, हिमालय का पानी मीठा है, तो जो भी झील इस रीजन से आती है हिमालय से, वो कैसी है, फ्रेश वाटर की, मीठे पानी की। बुलर झील जम्मू कश्मीर में भरने को आती है हर साल, मीठे पानी की झील है। नैनीताल आते हैं हम, उत्तराखंड, उत्तराखंड में कई सारी झीलें हैं, है ना, भीमताल है, ये सारे मीठे पानी की है। मैंने आपको बताया, बहुत पते की बात बता रही, जितनी भी समुद्र किनारे कोस्टल रीजन की झीलें हैं, कोई भी मीठे पानी की झील नहीं है, याद रखना इस चीज को। मीठे पानी की झील कहाँ से आती है, कहाँ पर होती है, हिमालय रीजन में, तो बिल्कुल ध्यान रखना, गलती कोई भी नहीं करना। तो ये वाला समझ में आ गया, तटीय वाला मैदान, इसमें तीन चार आपके वो हैं तट, फिर कौन कौन सी झील है ये है, तो ये सारा आपको याद रखना है। अब हमारा आता है द्वीप समूह, नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा बच्चों, द्वीप समूह, ये भी मैं आपको अभी बताती हूँ, बहुत ध्यान से एक एक चीज सुनना, आपको क्लास में ही याद हो जाएगा, मैं हर चीज बार बार रिपीट कराती हूँ ताकि आपको रटना ना पड़े, क्योंकि रटने से कभी याद नहीं होता, समझने से हमेशा याद होता है। यदि आप क्लास में हमेशा ध्यान देंगे तो आपको घर जाके रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको याद आएगा कि हाँ मैम ने कुछ समझाया था हमें उस वक्त। अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि कौन से खारे पानी की झीलें कहाँ पाई जाती हैं और मीठे पानी की झीलें कहाँ पाई जाती है। अब हमारा है द्वीप समूह, द्वीप समूह हमारे, फिर से मैं आपको बताती हूँ, यह हमारा अरब सागर है, यह हमारा बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी, हमारे दो द्वीप समूह है, एक अरब सागर में और एक अंडमान में। बहुत ध्यान से देखना, कई बार आता है बे ऑफ बंगाल में, फर्स्ट चैप्टर में ही आपके बे ऑफ बंगाल में कौन सा द्वीप समूह है और अरब सागर में कौन सा द्वीप, फर्स्ट चैप्टर का ही क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन चलते रहते हैं। तो हमारे द्वीप समूह दो हैं,
लक्षद्वीप और ये दो मिलके बने हैं अंडमान निकोबार आइलैंड, ये दो से मिले हैं। अब मैं आपको इनमें अंतर भी आता है तीन नंबर में, एक चीज मैं बता देती हूँ आपको। पहला अंतर आप क्या लिखोगे, मैं अभी लिखवा भी दूंगी, लक्षद्वीप अरब सागर में पाए जाते हैं, उसमें हम क्या लिखेंगे, बंगाल अंडमान निकोबार कहाँ पाए जाते हैं, बंगाल की खाड़ी में, है ना। अब आपको एक चीज, अब एक अंतर मैं आपको बताऊं, थोड़ा दिमाग लगाना, कई बार बच्चे भूल जाते हैं। ये जो है लक्षद्वीप चार अक्षर से बना है और वो बड़ा है, तो इसमें क्या है कि लक्षद्वीप छोटे होते हैं, लक्षद्वीप कैसे छोटे, अंडमान निकोबार बड़े होते हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह बड़ा है। आप वैसे भी अंदाज लगा सकते हैं ये इसका, ये चार अक्षर का, वो देखो कितने बड़े अक्षरों का है, तो छोटा कौन सा है लक्षद्वीप, बड़ा कौन सा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो लक्षद्वीप समूह संख्या में छोटे होते हैं और अंडमान निकोबार द्वीप समूह संख्या में ज्यादा, क्योंकि वो दो से बनके बने हैं, किससे मिलके बना है, वो अंडमान और निकोबार से, ये हमारी यूनियन टेरिटरीज भी है। अब एक पॉइंट क्या हुआ, लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है, अंडमान निकोबार बे ऑफ बंगाल में स्थित है, लक्षद्वीप संख्या में छोटे होते हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह संख्या में बड़े होते हैं, दो पॉइंट हो गए। तीन नंबर में भी लिखने को आता है, तीसरा पॉइंट आप लिखोगे, ये समुद्र, ये तट, ये जो ये तट पश्चिमी तट के नजदीक है, या केरल, यहाँ केरल है ना, केरल लिख दो, या पश्चिमी तट के नजदीक है, और ये दूर होता है, ये इस साइड में होता है, ये इस तरह ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके फैला, देखो अपने अपने मैप में देखो, ऐसे ऐसे है और ये इधर है, देखिए ऐसे है। तो अंडमान निकोबार द्वीप तट से दूर स्थित होते हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह तट से दूर स्थित होते हैं, मैं लिखाऊंगी अभी, ये पास स्थित है, पास में है तट के, और बच्चों ये दूर स्थित होते हैं ना, थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट आप लिख सकते हो, तीन नंबर में आता है क्वेश्चन, लेकिन मैं फिर भी आपको और पॉइंट बताऊंगी। ये जो होते हैं एक दूसरे के नजदीक होते हैं, ये मिले हुए होते हैं एक दूसरे से, और ये बिखरा हुआ होता है, यहाँ फिर यहाँ, अंडमान निकोबार द्वीप समूह बिखरे हुए होते हैं, और जबकि वो अपने में समेटे हुए होते हैं, मतलब वो एक दूसरे के नजदीक होते हैं, तो ये ध्यान रखना। इसका, इसकी जो राजधानी कवारत्ती है, और राजधानी आप लिखना मत, लेकिन मैं बता रही हूँ, और यहाँ पर भी जीव जंतु पाए जाते हैं, बट यहाँ जीव जंतुओं की विविधता बहुत ज्यादा है, अंडमान निकोबार समूह में बहुत अधिक जीव जंतु पाए जाते हैं, बहुत अधिक जीव जंतुओं की बहुत अधिक विविधता वहां पाई जाती है, जलवायु विषवती है दोनों की, तो आप पूरा ये वनों से घिर, वनों से आच्छिद है, वनों से मतलब वन बहुत ज्यादा है वहां पे, वनों से घिरा पड़ा हुआ है, है ना, तो ये ध्यान रखना आप लोग। चलो मैं इसके पॉइंट दिखाती हूँ आपको, पहला पॉइंट, लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है, लक्षद्वीप, ये तीन नंबर डिफरेंस आता है, लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है, लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है, अंडमान अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है, बंगाल की खाड़ी में स्थित है। सेकंड पॉइंट, लक्षद्वीप समूह संख्या में कम होते हैं, लक्षद्वीप समूह संख्या में कम होते हैं, मैं सिर्फ ऐसे लिख रही, संख्या में कम होते हैं ना, बाकी आप लिख लेना, संख्या में
कम होते हैं जबकि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की संख्या अधिक होती है, जबकि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की संख्या अधिक होती है। मैं सिर्फ अधिक लिख रही हूँ, आगे का आप लिखना है ना। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की संख्या अधिक होती है, ये आता है 3 नंबर में क्वेश्चन, और वैसे वन वर्ड में भी आ जाता है कौन सा द्वीप समूह बड़ा है या कौन सा द्वीप समूह कहाँ स्थित है। आपको आगे लक्षद्वीप कहाँ स्थित है तो आप लिख सकते हो, फर्स्ट चैप्टर पहले उसमें आया था आपको। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, लक्षद्वीप समूह केरल तट के नजदीक स्थित है। लक्षद्वीप समूह केरल तट के नजदीक स्थित है या पश्चिमी तट के नजदीक स्थित है, कुछ भी लिख सकते हो है ना, या पश्चिमी तट के नजदीक स्थित है, जबकि जब टाइम आउट हो चुका जल्दी करो, जबकि जबकि अंडमान निकोबार द्वीप समूह तट से दूर स्थित होते हैं, जबकि अंडमान निकोबार द्वीप समूह तट से दूर स्थित होते हैं, नेक्स्ट लिखिए जल्दी से, लास्ट पॉइंट, अंडमान निको लक्षद्वीप समूह में स्थित होते हैं, समूह में स्थित होते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह बिखरे हुए होते हैं, है ना, ये बिखरे हुए होते हैं और ये समूह में होते हैं। लक्षद्वीप समूह समूह में स्थित होते हैं और वो बिखरे हुए होते हैं। तो आज का ये टॉपिक खत्म हुआ, कल मैं ये आपके पूरा हो गया, कल मैं इसके आपको कुछ तो मैं और शुरू से इसी चैप्टर के थोड़े से वन वर्ड क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन चाहे तो टेस्ट ले सकती हूँ मैं आप लोगों का। आप जितने भी बच्चों मेरी आवाज सुन रहे हो सब टेस्ट के लिए तैयार रहना, मैं यहाँ बोर्ड पर टेस्ट दूंगी, देखती हूँ और किसी को भी मैं नाम लेकर पूछ सकती हूँ, तो याद रखना ये वाला पूरा चैप्टर आप करना। और थोड़ा सा मैं आपको हिस्ट्री पढ़ाऊंगी, हिस्ट्री का रूस की क्रांति आपको पता आता नहीं है किसी को भी है ना, वो पढ़ाऊंगी, तो ध्यान रखना बच्चों इस चीज को। और आप सबको मुझे आशा है कि आ गया होगा आप लोगों को सबको समझ में है ना, तो